हेलो फ्रेंड्स, कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में आप सब देखने वाले हैं कि हीर अपने भाइयों के साथ राखी सेलिब्रेट कर रही होगी। हीर अपने भाइयों से कहती है कि वो हमेशा उनका साथ देगी और वो एक अच्छे से जॉब की भी बात करती है। वही सोहम भी हीर से कहता है कि वो भी उसके साथ हमेशा रहेगा। फिर हीर वॉलंटियर रोटेशन की बात करती है और वो कॉलेज चली जाती है। इधर सन्नो मन ही मन अपने प्लान के बारे में सोच रही होती है। वही दूसरी तरफ विराट के घर में भी राखी की सेलिब्रेशन हो रही होती है और तभी झरना भी वहाँ पे आ जाती है। वही विराट जाकर अपनी भाभी से राखी बंधवाता है और इधर झरना और परमीत दोनों आपस में बातें करते हैं। इधर नूतन भी मल्लिका दीदी को राखी बांधती है और अपनी बातें बताती है। इधर कॉलेज में हीर का पैर लड़खड़ाता है, जहाँ पे विराट उसे आकर थाम लेता है और दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। और बहस होने के बाद दोनों एक दूसरे पे पानी फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे सर आते हैं और चाय फिनिश करने की बात करते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे से अच्छा बिहेव करोगे तभी आपको वॉलंटियर करने दिया जाएगा। इधर सोहम हीर की सच्चाई की बात करता है और विराट की यादों के बारे में भी कहता है। वही मल्लिका दी के बोलने पे वो नाराज हो जाता है और उसे किन्नर बोलकर चुप करा देता है। वही हरक सिंह के उठते हाथ को सोहम रोक लेता है और ये देखकर सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। सोहम मल्लिका दी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोहन आकर वहाँ पे सोहम को रोक लेता है। वही सोहम हीर के खुशियों के बारे में बात करता है। तभी हरक सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और घर छोड़कर जाने लगते हैं। वही प्रीतो भी घर छोड़कर जाने की बात करती है, जिसे सुनकर सोहम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वही सन्नो को लगता है कि अब उसका प्लान खतरे में पड़ गया है। इधर सर हीर और विराट के आगे बढ़ने की बातें करते हैं। वही सभी लोग हैंडशेक करते हैं। वही सभी लोग कॉलेज में मिलकर काम करने की बातें करते हैं। तभी विराट को झरना कॉल आ जाता है और विराट हीर को सुनाकर झरना से बातें करता है। तभी सभी वॉलंटियर्स करते हैं मिलकर काम करने की बात और हीर को पुराने दिनों की याद आ जाती है। वही अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि प्रीतो के बोलने पर सोहम गुस्से में घर छोड़ के चला जाएगा। तभी हीर घर आएगी, जहाँ पे रोहन हीर को बताएगा कि सोहम घर छोड़ के चला गया है। तभी हीर रोहन के साथ सोहम को ढूंढने चली जाएगी, जहाँ पे उसे सोहम का आई कार्ड मिलेगा। और सोहम को ढूंढते ढूंढते हीर एक ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहाँ पे वो सोहम को देखेगी और सोहम को देखकर वो हैरान रह जाएगी। सो फ्रेंड्स, हीर ऐसा क्या देख लेती है ये तो हमें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। तो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आप आने वाले एपिसोड को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।